स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, मैं वंदना परवैया, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ऊपरवारा अभनपुर बैठक से। आज हम नमस्कार मैम। नमस्कार, आज हम कक्षा छठवीं का पाठ दो हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण, पर्यावरण से क्या अर्थ है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि धन आवरण। परि धन आवरण अर्थात परि का अर्थ है बाहरी, आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर उपस्थित बाहरी घेरा, जैसे जिसमें शामिल है नदी, तालाब, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी हमारे पर्यावरण हैं। हमारे पर्यावरण किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है? हमारे पर्यावरण मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर के बनता है, सजीव और निर्जीव। जी, सजीव घटक के कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं? सजीव घटक हैं पौधे और जंतु, और निर्जीव घटक हाँ और पौधे जंतु आदि। जी, पौधे जंतु ये जो हैं वो हमारे सजीव घटक हैं। और आपने पानी, मिट्टी ये कहा, ये होगा हमारा निर्जीव घटक। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फोटोज भी डाली है, सजीव घटक में मिट्टी, पानी, सूर्य, ये सभी जो है वो हमारे सजीव निर्जीव घटक हैं। तो चलिए, इसको करने के लिए हम एक सूची को भरने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण तो आपने समझ ही लिया, सजीव घटक और निर्जीव घटक का। अब हम एक सूची बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ निर्जीव घटकों के नाम बताइए आप। कुर्सी, हाँ, टेबल, बैग, पलंग, और ये सब हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं, घटक जो हमारे पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में भी प्रभाव डालते हो। जैसे कि आपने बताया था मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? हमारे निर्जीव घटक है। सजीव घटक में पौधे, कुछ पौधों के नाम जानते हैं आप? हाँ हाँ, बताइए। गुलाब, मोगरा, सेवंती। जी, दसमा, मोगरा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं? चंपा। जी, अब कुछ जंतुओं के नाम बताइए। घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, बिल्ली, कुत्ता। बहुत अच्छे। तो हमें ये सूची अपनी कॉपी में बनानी है और इसे भरना है, ठीक है? यस मैम। सजीव घटक और निर्जीव घटक समझ लिया, तो सजीव घटक में हमारे आते हैं जंतु की बात आई। तो जंतु जो है वो पोषण के आधार पर अलग अलग होते हैं। पोषण की बात यदि हम करें तो इसे हम इस तरह से समझते हैं, हमें भोजन कहाँ से मिलता है? हमें भोजन कहाँ से मिलता है आप बता सकते हैं? पेड़ पर नहीं। आप क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी। बहुत बढ़िया। ये किससे मिलते हैं हमें? पेड़ पौधों से। हाँ, पेड़ पौधों से। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश और पानी और मिट्टी से बनाते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये पौधे क्लोरोफिल होने के कारण पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इनको हम कहते हैं स्वपोषी। हम किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पर। बिना पौधों के जीवन संभव नहीं है। हम अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर कर रहे हैं? पौधों पर। तो ये पौधे स्वपोषी हैं और हम परपोषी हैं। जितने जंतु हैं वो क्या हैं? परपोषी। जितने जंतु हैं वो परपोषी है। अब ये जो जंतु है वो तीन प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर। भोजन हम किस प्रकार करते हैं? इस आधार पर। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वो जंतु जो केवल पौधों पर निर्भर करते हैं, पौधों को ही खाते हैं, उनकी पत्तियों को, घास, इसे खाने वाले जंतुओं को हम कहते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी हम किसे कहेंगे? बकरी, गाय, भैंस, ये सब। हाँ, ये सब क्या है बेटा? क्या है? शाकाहारी जंतु। बिल्कुल, बहुत सही। और मांसाहारी जो शेर, मांसाहारी शेर, बाघ, कुत्ता, कुत्ता मांसाहारी, बिल्ली। देखिए, जो जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें मार के खाते हैं, वो कहलाते हैं मांसाहारी। जैसे कि बाघ, भेड़िया, सी, आपने जो उदाहरण दिए है ना। और वो जंतु जो पौधों को भी खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को भी खाते हैं और साथ ही साथ पौधों से प्राप्त जितने उत्पाद हैं उन्हें भी खाते हैं और साथ ही साथ जीव जंतुओं को भी खाते हैं, वो कहलाते हैं सर्वाहारी, जो दोनों ही प्रकार की चीज़ें खाते हैं। इसके उदाहरण हैं मनुष्य। मनुष्य क्या करता है? हम चावल खा रहे हैं तो वो भी पौधों से प्राप्त हो रहा है। हम यदि चावल के अलावा हम क्या खाते हैं? सब्जियां खाते हैं, वो भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। उसके अलावा कुछ मनुष्य जो हैं वो मांस पर भी निर्भर करते हैं, मांस भी खाते हैं। तो क्योंकि मनुष्य मांस भी खाता है और पौधों से प्राप्त उत्पाद भी खाता है, इसीलिए मनुष्य क्या है? सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी जी। अब जो हम भोजन करते हैं तो हम सर्वाहारी हुए मनुष्य, कुत्ता भी सर्वाहारी, कौआ सर्वाहारी, इसी तरह कई सारे पक्षी सर्वाहारी। अधिकतर पक्षियों को हम सर्वाहारी ही में ही लेते हैं। अब हमारे खाद्य श्रृंखला पर आते हैं। पौधे क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं स्वपोषी। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो ये क्या करते हैं? उत्पादन कर रहे हैं, भोजन का उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? उत्पादक। और मनुष्य जितने भी जंतु हैं वो सब क्या करते हैं? पौधों पर निर्भर हैं भोजन के लिए। जंतु पौधे और पर भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, इसीलिए हम क्या हैं? उपभोक्ता। जितने जंतु हैं वो हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। फूल पौधा जो है वो क्या है? उत्पादक है। उस पौधे में एक इल्ली लगी हुई है, उस इल्ली को मेढक खा रहा है। तो जो इल्ली है वो किसे खा रहा है? पौधे की पत्तियों को। तो इल्ली क्या हो गया? उपभोक्ता, क्योंकि ये पौधे की पत्तियों को खा रहा है। उसके बाद इस इल्ली को खा रहा है कौन? मेढक। तो मेढक भी क्या हुआ? हाँ, मेढक भी क्या हुआ? उपभोक्ता, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? इल्ली को खा रहा है। और मेढक को कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? देखिए, सांप। तो ये भी किस पर निर्भर कर रहा है? मेढक पर। तो सांप भी क्या हो गया? उपभोक्ता। उपभोक्ता। और सांप को कौन खा जाता है? उल्लू। उल्लू।
उल्लू भी उपभोक्ता हुआ। उपभोक्ता। ठीक है, चलिए इसको हम एक खेल से समझते हैं, पर्यावरण का खेल, जीवन का जाल। खेल की तैयारी के लिए आप अपने बड़ों की मदद लीजिएगा, अपने शिक्षक की, अपने घर के किसी बड़े की। हम क्या करेंगे, कुछ 20-25 कार्ड बनाएंगे, यदि हमारे पास चित्र हो तो उन कार्डों पर चित्र चिपका देंगे और उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण डाले हुए हैं, देखिए, सूरज, मिट्टी, पानी, घास, मेढक, गिद्ध, बंदर, मछली, ऊष्मा तथा ताप, मोर, बाघ, गेहूं का पौधा, मगरमच्छ, टिड्डा, नदी, हिरण, काई, मटर का पौधा, खरगोश, आम का पेड़, खनिज लवण और मनुष्य। ऐसे हम कार्ड ले बना लेंगे। यदि हमारे पास चित्र नहीं है तो चित्र की क्यों कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे, चित्र की बजाय कार्ड पर नाम लिख लेंगे और नाम लिख करके इसे हमारे आगे पीछे कुछ साथी मिल जाएंगे। आप अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ ले लीजिएगा और इन कार्ड को हम अपने कपड़े में आगे पीछे लगा लेंगे। देखिए मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, उस चित्र में दिख रहा है कुछ बच्चे अपने पीठ पे सामने लगा के रखे ना पेपर में, नाम में लिख रहा है। हाँ, इन्होंने नाम लिख रखा है ना। शिक्षक या आपके बड़े क्या करेंगे, सब बच्चों को एक एक कार्ड देंगे, आप अपने पास एक एक कार्ड रखेंगे और इसे अपने कपड़े पर लगा लेंगे ताकि आपको ये दिखाई भी दे। अब क्योंकि एक बच्चे को एक कार्ड मिल गया तो आपका नाम अलग अलग आपको नाम मिल गए, जैसे कोई बच्चा सूरज बना, कोई पौधा बन गया, कोई बन गया खरगोश, कोई हिरण, कोई बाघ। इस तरीके से हम 20 से 25 नामों को अपने ऊपर लगा लेंगे। अब आपके घरों में बड़े या आप अपने यदि शिक्षक के साथ करते हैं तो क्या करेंगे, आप एक समूह में खड़े हो जाएंगे। अब आपका जो शिक्षक है वो कहेंगे, या आप में से ही कोई, जरूरी नहीं कि बड़े हो या शिक्षक हो, आप दो अपने किसी दोस्त को भी एक अलग कार्य दे देंगे, शिक्षक का कार्य या बड़ों का कार्य दे देंगे, और आपके दोस्त भी ये कह सकते हैं, वो कहेंगे कि सजीव बाई तरफ आ जाए और निर्जीव बाई तरफ। तो आप में से जो भी सजीव या निर्जीव का नाम पाया हुआ है, जिन्होंने भी ये कार्ड लिया है सजीव या निर्जीव का, वो अलग अलग समूह में बट जाएंगे। एक समूह में शिक्षक के बाई और सारे निर्जीव घटक दूसरे समूह में शिक्षक के दाई ओर आ जाएंगे। मतलब जितने सजीव हैं वो बाई और निर्जीव दाई ओर इकट्ठे हो जाएंगे। अब जो आपका साथी है या शिक्षक है वो कहेगा, कि पौधे बाई और जंतु दाई ओर खड़े हो जाएं। तो आप में से जो पौधा होगा वो क्या करेंगे, बाई ओर खड़े हो जाएंगे, और जो भी जंतु बना होगा वो दाई ओर खड़े हो जाएंगे। अब पौधे और जंतु भी अलग अलग हो गए, आप लोग गोल घेरा बना के बैठ जाइएगा, जैसे इन बच्चों ने बनाया हुआ है चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, और जिनको कार्ड नहीं मिला वो बच्चे बाहर में खड़े होके आप लोग को देखेंगे। अब बारी बारी से एक एक बच्चा बीच में जाएगा घेरे के और अपने बारे में 5 वाक्य बोलेगा। जैसे आप में से कोई सूर्य होगा तो क्या बोलेंगे, सूर्य, सूर्य अपने बारे में क्या बोलेंगे, मैं सूर्य हूँ जी, निर्जीव घटक हूँ। बहुत अच्छे, मैं सबको पूरी दुनिया को रोशनी देता हूँ। बहुत अच्छा, हाँ और क्या कहेंगे, मुझसे ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये भी कह सकते हैं।
है ना, मेरे और मेरी ऊर्जा का उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे ही हम पौधे के बारे में भी पांच वाक्य बोलेंगे। इस तरीके से आप लोग अलग अलग जिनको नाम मिला हो वो पांच पांच वाक्य बोलेंगे। अब हम आते हैं दूसरा खेल। सबके पास कार्ड लगा हुआ है, हम दूसरा खेल भी खेल सकते हैं इसी में। इसके लिए आपको चाहिए होगी रस्सियाँ, सुतली रस्सी, वो जो बोरे की रस्सी आती है ना, जूट रस्सी, बोरा रस्सी तो आप सभी जानते हाँ होंगे। छत्तीसगढ़ में बोरा रस्सी कहने से सबको समझ में आ ही जाता है लगभग। सुतली, बोरा रस्सी या जूट की रस्सी, इसे ही हम कहेंगे। अगर ये भी नहीं मिलता है तो पतली नायलॉन की रस्सी भी चलेगी, है ना। तो रस्सी लेंगे और रस्सी को हम क्या करेंगे, पकड़ते जाएंगे। सबसे पहले कौन पकड़ेगा? सूर्य। अब सूर्य से ऊर्जा कौन ले रहा है? सूर्य से ऊर्जा कौन लेता है? सूर्य के प्रकाश से भोजन कौन बनाता है? पौधे हाँ, तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके उसको भोजन निर्माण में कौन उपयोग कर रहा है? पौधे। तो सूर्य से अब रस्सी किसके पास चली गई? पौधे के पास। पौधे के पास अब पौधे को कौन खाता है? इल्ली कीड़े मकोड़े बिल्कुल, कीड़े मकोड़े, खरगोश, हिरण, गाय, तो आपके पास जो गाय जो जंतु हो इसे खाते हैं उन सबको एक एक रस्सी पकड़ा देंगे। कहाँ पर से? पौधों से, है ना। पौधे खूब सारे, हाँ पौधे जितने जंतुओं को, जितने जंतु पौधे पर निर्भर करते हैं उतने जंतुओं से सारी रस्सियाँ पौधे के पास भी आ जाएंगी। अब उन जंतुओं को खाने वाले जीव, जैसे कि पिछले में हमने एक उदाहरण देखा था ना कि कीड़े को कौन खा मेढक रहा था? हाँ, मेढक। तो अब अगली रस्ती किसे चली जाएगी? मेढक मेढक को चली जाएगी, मेढक बिल्कुल। और हिरण को कौन खा सकता है? बाघ बाघ। बाघ तो अगली रस्सी बाघ को भी चली जाएगी, है ना। तो यस इस मैम तरीके से हम रस्सी को पकड़ते जाएंगे। और जब हम रस्सी को पकड़ेंगे तो जब आप ये खेल खेलेंगे ना, बड़ा मजा आता है खेलने में। जब आप ये खेल खेलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास तो एक जाल जैसा बन जाता है ना। तो ये जाल जैसा बनाने के पहले आप एक खाद्य श्रृंखला बनाएंगे। खाद्य श्रृंखला, कौन किसे खाता है? ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा है आप लोग को, सूर्य है, बारिश भी हो रही है, सूर्य की रोशनी से पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। और इस पौधे पर कौन निर्भर है, कौन इसे खा रहा है? एक हिरण। और हिरण को कौन खा रहा है? बाघ। बाघ हाँ, शेर भी खाता है, बाघ भी खाता है ना। यहाँ पे देखो एक और खाद्य हाँ श्रृंखला आपको दिखाई देगी, सूर्य की रोशनी से पौधे भोजन बना रहे हैं। पौधे को कौन खा रहा है? पौधा टिड्डा। और टिड्डे को खा रहा है डाव मेढक। मेढक मेढक को खा रहा टेंडा है सांप। और सांप को कौन खा रहा सा है? बाज। यहाँ पर बाज एक चित्र में बाज है और दूसरे में है मोर, है ना। मोर तो हाँ जब आप खाद्य श्रृंखला का खेल खेलेंगे जिसमें आपने रस्सी पकड़ी हुई थी, याद आया? हाँ अलग-अलग नाम आपको देंगे, रस्सी पकड़ेंगे तो देखो कैसे जाल जैसा बन जाता है ना। एक देखो बांस का पौधा हाँ है, बांस को एक पांडा खा रहा है, गोरिल्ला खा रहा है, चूहा भी खा रहा है, और इस चूहे को सांप खा रहा है, इसी चूहे को गिद्ध भी खा रहा है ना। हाँ तो एक जीव को एक से अधिक जीव भी खाते हैं। तो इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, एक जाल जैसा बन जाएगा। इसका अर्थ है कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं।
देखिए, बांस को टिड्डा खा रहा है, फर्न को भी टिड्डा खा रहा है, घास को खा रहा है, टिड्डे को कौन खा रहा है? गिद्ध खा रहा है, मेंढक भी खाता है ना? हाँ और फिर मेंढक को सांप खा जाएगा, चिड़िया मेंढक को सांप। खा जाती है, गिद्ध भी खा जाएगा मेंढक को, है ना? तो इस तरीके से हाँ जाल जैसा बन जाता है। चलिए, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं, ठीक है? हाँ मैम। सर, इस भोजन की अपेक्षा से ही उपस्मित है। वो कैसे? अर्थात जीव जगत की ऐसी जिसके मैं अंतर्गत तो भोजन के माध्यम से शक्ति स्थानांतरित होती रहती है, यानी एनर्जी चैनलाइज होती है और शक्ति ऊर्जा जीव को कायम रहती है। पृथ्वी पर केवल सूर्य ही प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य प्रकाश के द्वारा वनस्पति प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा अपने लिए बनाती है। ये ऊर्जा वनस्पति के पत्तों, फूलों, फलों और बीज में संग्रहित होती है। शाकाहारी प्राणी शाकाहारी जीवों का मांसाहारी जीव भक्षण करते हैं। इस तरह ये आहार चक्र चलता रहता है। मनुष्य भी इस फूड चेन का हिस्सा है। तो आप लोगों ने समझा कैसे हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? यस मैम। चलिए, अब हम आते हैं हमारा पर्यावरण प्रदूषण। यदि हमारे घटक आपस में ढीले हो जाते हैं तो ये इससे क्या होता है? पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाता है। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है, जैसे कि वायु। पहले से अभी हमें बहुत अधिक प्रदूषण हो, धूल उड़ रही हो, या हम फैक्ट्रियों के आसपास जाते हैं तो हमें अजीब सा लगना महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये सब भी क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है। हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, ये सब भी प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो चलिए समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण को। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक असंतुलन से पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना।
जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव विपरीत रूप से पड़ता है। तो चलिए पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रकारों को हम समझ लें। पहला है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें निश्चित मात्रा में एवं अनुपात में होती हैं। जब इनके अनुपात में किसी भी कारण से परिवर्तन होता है तो ये कहलाता है वायु प्रदूषण। जैसे कि चित्र में देखिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है, हमारे वाहनों से वायु प्रदूषित हो रही है, और साथ ही साथ और किन से होती है वायु प्रदूषित, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। चलिए देखिए, एक चित्र है, कचरे से भी, जब हम कचरे को जला देते हैं तो भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। घरों में जब हम चूल्हा जलाते हैं वहाँ पर हम लकड़ी का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, कंडे या लकड़ी का आग जला करके जब हम भोजन पकाते हैं तो भी वायु प्रदूषित होती है। खेतों में जब हम उर्वरक डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, उर्वरक, कीड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ जब हम डालते हैं तो भी हमारी वायु प्रदूषित होती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसको आप जरूर सोचिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? अगला है हमारा जल प्रदूषण। अगला टॉपिक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से अभिप्राय है जल निकायों, जैसे कि झील, नदी, समुद्र, तालाब, इसमें भूजल का प्रदूषित होता है। हम क्या करते हैं, पानी में कचरा बहा देते हैं, शहरों से की नालियों से निकलने वाले कचरे को या गंदे पानी को हम पानी नदियों में मिला देते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा या दूषित पानी वो नदियों में मिला दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है, ठीक है? कुछ और भी कारण है, हम नहाते हैं तो वो गंदा पानी, खेती में हम जो उर्वरक डालते हैं वो भी पानी को प्रदूषित करता है, क्योंकि खेत में जब हम उर्वरक डालते हैं और वही उर्वरक जा करके पानी से मिल जाते हैं तो भी हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है, पानी में घुल जाता है और जा करके वो अतिरिक्त पानी खेत का नदी तालाबों में मिलता है, इससे भी पानी प्रदूषित होता है। हमारे फैक्ट्रियों, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, इनसे भी हमारा पानी प्रदूषित होता है। तो इन सब से जब हमारा पानी प्रदूषित हो जाए तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए या कम करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, ये आप जरूर सोचिएगा, ठीक है? अब आते हैं वर्षा जल संग्रहण। आजकल आप सुनते होंगे बहुत जगह पानी की बहुत समस्या है, तो इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे कम करने के लिए हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे, उसको भंडारित करेंगे जिस और भूमि के नीचे तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारा भूजल स्तर बढ़ेगा। इसी को हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। देखिए एक चित्र दिया हुआ है जिसमें छत का पानी पाइप के माध्यम से जमीन के भीतर तक बनी टंकियों में पहुंच रहा है। यहां से पानी जब टंकियों में पहुँचता है और जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है। जब जमीन पानी सोख लेता है तो इससे क्या हो रहा है, जमीन के अंदर का भूजल स्तर बढ़ रहा है, और भूजल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमें पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी, हम पंप में बहुत कम गहराई पर ही पानी प्राप्त कर लेंगे और उसे हम अपने पीने के लिए, अपने घर के कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्षा जल संग्रहण करके अपनी पानी की समस्या को भी कम कर सकते हैं। अगला है हमारा भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े जिससे कि भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। कैसे नष्ट होगा,
हम जमीन में कचरा फेंक देते हैं, ये कचरा कुछ कचरे सड़ने योग्य नहीं होते, ये भी हमारी भूमि को प्रदूषित करते हैं। जब अम्लीय वर्षा होती है तो भी हमारा भूमि प्रदूषित हो जाता है, मिट्टी बंजर हो जाती है, उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है। जब हम अत्यधिक खाद डालते हैं, खाद नहीं कहूँगी, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, तो भी हमारा भूमि प्रदूषित होता है। साथ ही साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे से भी हमारा भूमि प्रदूषित होता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि जिससे मानव एवं जीव जंतुओं को परेशानी होती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आप जब कहीं जाते होंगे, बहुत तेज आवाज आती है, आप लोग को तकलीफ होती है कि नहीं? होती है। होती है, लाउड स्पीकर की आवाज़ भी हमें अच्छी नहीं लगती है ना। तो बहुत अधिक तेज आवाज, हमारा कान एक निश्चित ध्वनि को सुनना पसंद करता है, निश्चित हर्ट्स की ध्वनि हम सुन सकते हैं। बहुत अधिक ध्वनि होने पर यह हमें शोर जैसा लगता है, और यदि कोई ध्वनि हमें शोर लगता है तो ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण। अब आ जाते हैं ध्वनि प्रदूषण के बाद वन संरक्षण, वृक्षारोपण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। आजकल हम क्या कर रहे हैं, पहले से अधिक हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें रहने के लिए भूमि की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं, अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, है ना। तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए तथा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। और वृक्षारोपण के साथ साथ क्या करना चाहिए, हमारे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारा प्रकृति में संतुलन बना रहे और हम अच्छे से जीवन यापन कर सके। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ है अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें बनाना, जहाँ पर हम वन्य जीवों को और पौधों को सुरक्षित रखते हैं। यदि कोई इन वन्य जीवों को इस क्षेत्र में आकर के मारता है तो उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंड दिया जाता है, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है ना। तो देखिए एक चित्र है जिसमें कह रहे हैं बहुत सारे लोग एक शेर को मार रहे हैं, कह रहे हैं मारो इस जंगली जानवर को, गांव में घुस आया है। तो वो जो शेर है वो क्या कह रहा है, अरे ठीक से देखो, तुम्हारा गांव मेरे जंगल में घुस आया है ना, कह रहा है ना। हाँ क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम अपनी सुविधा के लिए जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं। चलिए, तो ये ऐसा हमें नहीं करना है, और हमें क्या करना है, जंगली जीवों की और वनों की सुरक्षा करनी है। अब हम आते हैं, यदि बहुत अधिक वर्षा हो जाए तो क्या होगा? बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगा तो नदी नाले सब में पानी बढ़ता जाएगा। बारिश के दिनों में कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना, खासकर करके नदी क्षेत्र में। और जब ऐसा होगा, बहुत अधिक वर्षा होगी तो जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बाढ़ का रूप ले लेगा। बाढ़ से हमें बहुत हानि होती है, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, पशु बह जाते हैं, मनुष्य बह जाते हैं, हम जो भी संसाधन अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, घर पुल सड़कें सब बह जाती हैं, है ना। और जब बाढ़ उतरता है, मतलब पानी जब कम होता है, तो इससे इसमें फंस के बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, जिससे बहुत सारे रोग फैलते हैं, है ना। अब तो बात हो गई बहुत अधिक वर्षा की, और यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? वर्षा ना हो तो क्या होगा, सारे नदी तालाब कुएं सूख जाएंगे, है ना। तो सूख जाएंगे तो क्या परेशानी होगी, हमें पीने के लिए, अपने उपयोग के लिए पानी के लिए पानी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हमें बहुत समस्या होगी, है ना। कुओं तालाब में हाँ पानी का स्तर कम हो जाता है, या कुछ पूरे सूख जाते हैं, इसे बोलते हैं सूखा पड़ना।
वाष्पन के कारण भूमि से लगातार पानी की हानि होती है, जिसके कारण मिट्टी सूख जाती है। देखो एक फोटो दिया हुआ है यहाँ पर कि मिट्टी से पानी पूरा सूख गया, पूरी मिट्टी कैसी दिखाई दे रही है ना। तो चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न देती हूँ मैं, इसमें आप लोग जरूर सोचिएगा सूखा पड़ने वाले क्षेत्र में क्या क्या परेशानी आती होगी और इस परिस्थिति में पशु वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पशु वनस्पतियों के साथ साथ हम पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप जरूर सोचिएगा, ठीक है। चलिए इस यस बात मैम। को पूरा समझ लेने के बाद मैं आप लोग के समक्ष एक गृह कार्य रख रही हूँ। इन प्रश्नों को आप लिख करके देखिएगा, अपनी कॉपी में जरूर कीजिएगा। पाठ समझने के बाद ये प्रश्न आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सजीव तथा निर्जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए। तीसरा है, यदि कम वर्षा हो तो क्या होगा। चौथा है, वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। आप बच्चों आप लोग ये प्रश्नों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इनके उत्तर जरूर लिखिएगा। जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए, क्यों? विवेकपूर्ण उपयोग अर्थात जल को सोच समझकर हम उपयोग करें, है ना, उसकी बर्बादी नहीं करें, तो ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ये इन सारे प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा। अभी आपके कोई प्रश्न है? नो मैम। ठीक है, आप लोग को यदि पाठ समझ में आ गया, मुझे भी ऐसा लगता है, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डालें, मैं आप लोग को अवश्य इसका उत्तर दूंगी। जी धन्यवाद आप सभी का बच्चों पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये पाठ आप लोग को जरूर समझ में आया हो, मैं ये आशा करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। तो मैं आपको